साया ए खुदा ए दुलजादा तर्जुमाने माजी शाने हाल साया ए खुदा ए दुलजादा तर्जुमाने माजी शाने हाल रहबरे तरक्कीयों का माल मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ हमारा मेरे दुश्मन है बहुत दोस्त है कम तो मोहम्मद खान लहरी साहब ने हमें ज्वाइन भी किया है, उन्हें सामने गुफ्तगु करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या करें। बहुत शुक्रिया हाज साहब। सर ये बताइएगा कि क्या प्लानिंग है आपकी, एक्टिव तो काफी दिखाई दे रहे हैं लेकिन कोई आपके पास रोड मैप भी तो होगा ना। शुक्रिया। जैसे कि हमारे मौजूदा गवर्नमेंट जाम कमाल की सूरत में जो हमें वजीर अला की सूरत में जो हमें मिला, सबसे पहले वो तालीम को प्रायोरिटी पे रखा। जब उन्होंने 19 अगस्त को जो वजीर अला का ओहदा हल्फ उठाया तो उसके बाद एक दो दिन के बाद उसने कैबिनेट का क्या रखा मीटिंग रखा, तो उसमें तालीम के हवाले से उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम किसी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम तालीम को एक बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। बलूचिस्तान में अपने जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो स्कूलों में बाहर हैं, जो स्कूल में हैं, जो स्कूल से बाहर हैं, हम इंशाल्लाह ताला उनको स्कूलों में लेके आएंगे, बलूचिस्तान को एक पुरमन और पढ़ा लिखा बलूचिस्तान की तरफ लेके जाएंगे। मौजूदा गवर्नमेंट इसको अभी बेहतरी के लेके तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो जीसी ने तकरीबन 800 के करीब जो स्कूल के काम शुरू किए हैं हमारे बलूचिस्तान में, उन्होंने वहीं पे एक सिस्टम शुरू किया है कि जैसे भी उस्ताद स्कूल में इन हो जाएगा तो यहाँ पे उसका सिस्टम अटेंडेंस मालूम हो जाएगा कि उस्ताद एक स्कूल में हाजिर होगा और उसका अटेंडेंस लग जाएगा। जैसे वो उसे अपने टेन तक उस स्कूल में रहेगा, जैसे वो स्कूल से बाहर जो हो जाएगा तो यहीं पे हमें अरे हाँ जो है हमें ये नजर आ जाएगा कि वो अपने टेन पे अभी छुट्टी करके बच्चों से जाए। हमने इस मुल्क को अगर उठाना है तो हमें उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर मुल्क को उठाएंगे, और इंशाल्लाह जो हमारी अब कोशिश है सारी कि हमने कोशिश करनी है अपने कमजोर इलाके जो पीछे रह गए उनको ऊपर लेके आना है, जिसमें बलूचिस्तान है पीछे रह गया है। इंशाल्लाह पूरा आपके पास एक अच्छा चीफ मिनिस्टर आया है
جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم کبھی نہ کبھی کسی کی جنگ لڑیں گے, نہ ہم نے کبھی کسی کے سامنے جھکنا ہے. ہم سب سے امن چاہیں گے اور یہ انشاءاللہ اسی طرح آگے ہوگا. ہم نے اپنی قوم کے اندر یہ چیز ڈالنی ہے کہ قوم میں اللہ نے اس قوم کو سب کچھ دیا ہے.